हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमृत मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीषता हूँ, आज का दिन आपका ब्लेस जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इस भोर के समय में उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, तारीफ करें, स्तुति करें, उस महान परमेश्वर के नाम को महिमा दें क्योंकि वो महान है। हालेलुया। आज का टॉपिक है कि हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं या हथियार हैं। हम उन अधिकारों को हथियार भी बना सकते हैं और अधिकार भी बना सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आप जांचें कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। पहला अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, अधिकार बहुत सारे हैं लेकिन मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा और आप इसको समझें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और वचन कहता है लूका 10:19 में कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हुई। हालेलुया। फिर से पढ़ूंगा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि न होगी। आपको किसी भी वस्तु से कुछ हानि नहीं होने वाली है। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। मैं एक्सप्लेन कम करूंगा, आपको समझाऊंगा कम, लेकिन मैं अधिकार आपके बारे में बताना चाहता हूं ताकि आपको पता लगे कि आपके पास मसीह जीवन में प्रार्थना करते हो, आप आराधना करते हो, स्तुति करते हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्या क्या दे रखा है आत्मिक तौर पर। हालेलुया। और दूसरा मत्ती 16:19 में लिखा हुआ है मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचेंगे यार हमारे साथ तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए अपने आप को जांचें। वचन कहता है कि मत्ती 16:19 में ऐसा होगा, परमेश्वर ने आपको कुंजियां दे रखी हैं इसकी, हम किसी को घर की चाबियां दे जाए तो वो खुश हो जाता है, यार मुझे घर की चाबी मिल गई है, और अगर हम उसको लॉकर की चाबी दे जाते हैं जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति पड़ी है तो वो डबल खुश हो जाता है। हालेलुया। कि इतना कुछ वो मेरे लिए छोड़ कर गए हैं और मुझे चाबियां दे गए हैं। हालेलुया। लेकिन आप सोचिए एक घर है जिसे आप जानते नहीं और उस घर में करोड़ों अरब रुपए हैं, उसकी चाबी आपको मिल जाए और घर भी मिल जाए, हम तो बागो बाग हो जाएंगे, अरे वाह यार कुछ किया भी नहीं तो भी हमें यार इतनी बड़ी आशीष मिल गई, इतना बड़ा घर मिल गया। लेकिन इसी तरह परमेश्वर, आपने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने सब कुछ किया है। परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य की कुंजियां दे रहे हैं, छोटी मोटी कुंजियां नहीं बल्कि स्वर्ग राज्य की कुंजियां। हालेलुया। आप जो खोलोगे वो खुलेगा, जो बांधोगे वो बंधेगा, कितना अच्छा और कितना अद्भुत है। हालेलुया। मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता नहीं ज़्यादा, लेकिन समय थोड़ा है और आप समझे बस इन वचनों को, आप बाद में पढ़ सकते हैं। रोमियो 16:20 में लिखा हुआ है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शिखर कुचलवा देगा। हालेलुया। और अगर हम शैतान देखते हैं, देख जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती, रात रात हम जागते रहते हैं। हालेलुया। हम सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, शैतान तो फंड मार के ऊपर बैठा होगा आपके। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान तुम्हारे पांवों के नीचे कुचलवा दिया गया है। हालेलुया। अद्भुत। यूहन्ना 14:12 में लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। मतलब वो कह रहे कि देखो परमेश्वर ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, अद्भुत कार्य किए, ऐसा काम आप भी कर सकते हैं अगर आप विश्वास करते हैं तो। हम एक बात पकड़ के ना बैठ रहे हैं, प्रार्थना कर लिया, उपवास कर लिया, बाइबल पढ़ लिया, घर के हालात नहीं चेंज हो रही, इस पर नहीं, परमेश्वर आपको इतने बड़े बड़े अधिकार दे रखे हैं, इसको ध्यान करें, इसको समझें। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। अब दुनिया को बनाने वाला जो स्वर्ग से आया, अगर मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे तो कितनी अद्भुत बात है ये। व्यवस्था विवरण 11:25 तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रहेगा क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। आपके सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। लिखा कि परमेश्वर उनके मनों में ऐसा डर डाल देगा कि वो डरेंगे आपसे, थरथराएंगे वो। हालेलुया। मिका 5:9 लिखा हुआ है
तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े और तेरे सब शत्रु नाश हो जाएं। परमेश्वर हम ये भी दिखा दिया कि हमारे जितने शत्रु हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही नाश हो जाएंगे। हालेलुया। यशाया 14:2 लिखा हुआ है, अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। मतलब कि ये उस टाइम की बात आ गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई चाहे मान लो अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करता है, कोई परेशान करता है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर कर रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उनके ऊपर कर दूंगा। हालेलुया। अपने में देखो अगर बहुत बारी कोई ऐसा सीन होता है लाइफ के अंदर और वो हमें कोई झुकाना चाहता है लेकिन वो खुद झुक जाता है। हालेलुया। ये सब परमेश्वर के नाम से होता है। हालेलुया। उत्पत्ति 49:8 में लिखा हुआ है, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। हालेलुया। अद्भुत वचन, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। ब्लेस्ड वचन। हालेलुया। लिखा हुआ है, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। यिर्मयाह 21:10 में लिखा हुआ है, उन्हें गिराने और ढांत देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। मतलब लिखा है कि आज तुझे जातियों में श्रेष्ठ किया है परमेश्वर ने हमें। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण 15:6 में लिखा हुआ है, तू सब जातियों पर प्रभुता करेगा परंतु वह तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाई। हालेलुया। मतलब आप ऊंचे उठे राए जाओगे, परमेश्वर हमें ये अधिकार दे रखे हैं। हालेलुया। और सबसे अच्छा मतलब है, सब अच्छा ले, सबसे ब्लेस्ड 3-4 वचन है ये हैं, जैसे कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। अद्भुत वचन है। और लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां। हालेलुया। परमेश्वर हमें राज्य कुंजियां देना चाहते हैं, हम जो बांधेंगे बांधेगा, जो हम पृथ्वी में करना चाहें वो करेंगे। अद्भुत वचन। मतलब कि आप जो कुछ मर्जी कर सकते हैं, जिस तरह हम सेल्फ मारते कार का, आगे ले जाओ पीछे ले जाओ, आगे ले जाओ पीछे ले जाओ। हालेलुया। इस तरह आप कुछ भी कर सकते हो, परमेश्वर ने इतना बड़ा हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। और लास्ट लिखा हुआ है कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। अगर इन पॉइंट्स को आपने सुना, इन वचनों को आपने सुना, अगर क्या मुझे लगता नहीं है, बहुत कम लोग होंगे, 55% लोग कि जो ऐसे अधिकार उनके पास होंगे, नहीं को बाकी तो घबराते हैं, बहुत मसीह लोग वो भी डर जाते हैं, जादू टोन से डर जाते हैं, निराशा से डर जाते हैं, हालातों से डर जाते हैं, शैतान को बोलते हैं, उसके आगे झुक जाते हैं, मतलब बहुत सारा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मत डरो, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने हमें जलाल दिया है। हालेलुया। तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा, आप ना घबराएं। और अगर इनमें से आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप मसीह जीवन में अपनी बढ़ोतरी करें। हालेलुया। अपने आप को फिर से खड़ा करें परमेश्वर के लिए, जिस तरह पेड़ जिस तरह फल लाता है, और जब अच्छा फल हो जाता है एक समय होती है जब उसकी कटनी होती है, कटनी के बाद उसको फिर वापस गोड्डी की जाती है, फिर से खाद डाली जाती है। अगर हम सोचे नहीं हमें तो एक ही बार आशीष चाहिए, नहीं, अगर आपको बार बार आशीष चाहिए तो बार बार कटनी होती है, बार बार खाद डलती है, बार बार गोड्डी की जाती है। हालेलुया। और उसमें जब उसको गोल घेरा बनाया जाता है, उसको मिट्टी में जैसे मार, मतलब कि अगर उस ओर से देखो तो इसकी दर्द होता है, लेकिन वो किसके लिए होता है, वचन कहता है कि अगर आप सूखे डाल तो उसको काट डालो, क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं है सूखी होने का, परमेश्वर सुखी डाल को पसंद नहीं करता है। आप, मैंने आपको अधिकार के बारे बताया है, अगर आप अपने जीवन में जांचें कि प्रभु मैं इन अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, प्रभु जी मैं भी आप जैसे बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ, प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसा होने पाए, प्रभु मैं भी सांप बिच्छुओं को रौंदने पाऊँ, प्रभु मैं भी शैतान को रौंदने पाऊँ, मतलब ऐसा बहुत कुछ। हालेलुया। लेकिन अगर हम विश्वास करते हैं तो ही हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे, नहीं तो हम परमेश्वर की महिमा को देखने नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है
जो सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर ही है जो राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर ही है जो हमें अधिकार देते हैं। इसलिए आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं भी इन अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ और मेरे जीवन में ये अधिकार पूरे होने पाए, मेरे जीवन में आशीष होने पाए, मेरे जीवन में ये अधिकार पूरे होने पाए। प्रभु जी मैं भी ऐसा करने पाऊँ, मेरे पिता मैं भी ऐसा अद्भुत कार्य करने पाऊँ। तो आप प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर महान है। आप जांचें अपने आप को कि आपके पास अगर ये अधिकार नहीं है तो आप इन अधिकारियों को लें, क्योंकि परमेश्वर हमें अधिकार दे रखे हैं। और आप जांचें कि अधिकार है कहाँ पे, और आपको ढूंढने हैं अपने जीवन में कि ये अधिकार किस किस कोने में पड़े हुए हैं। अपने जीवन को साफ करें, अपने मनों को साफ करें, अपने देखने को साफ करें, अपने सोचने को साफ करें, और निश्चय परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। आमीन। We'll be right back.